हैं, लोगों के नुमाइंदे यहाँ पे हैं और कुपवाड़ा में भी है। वो हमारे तीन एडिशनल आ रही हैं, वो स्पेशली वो अवेलेबल की गई हमें एज अ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, और वो उनके बाज़ाबता 4x4 गेयर भी है। तो आज ही सुबह ये बात हुई है, उसके लिए भी रेशनलाइजेशन के तरीके से और प्रॉपर रिक्वायरमेंट के तरीके से जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत होगी उन तीन को उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ताकि लोगों में एक एहसास चला जाए कि इसकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन एसेट की होनी चाहिए। ओके सर, थैंक यू। हाँ, आपने देखा कि परसों 3 तारीख को ये लॉन्च हुआ है 15 से 18 का, और हमारा जो पोर्टल है वो खुला हुआ है रजिस्ट्रेशन के लिए। और हो सकता है कि मौसम की बर्फबारी की वजह से थोड़ा काम में रुकावट आ रही है, लेकिन स्टिल हमने इसको मिशन मोड में लिया हुआ, और हमारी हर जगह जो डिजिग्नेटेड वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं 15 से 18 के, जहाँ बच्चों की वैक्सीनेशन करनी है, उसके लिए जो है अमला काम कर रहा है। और हमें उम्मीद है, और आपके ज़रिए से मैं इस एज ग्रुप के नौजवानों से और बच्चों से गुजारिश करूंगा कि इमीडिएटली अपनी रजिस्ट्रेशन भी करवाएं और नज़दीकी वैक्सीनेशन सेंटर पे आ जाएं। और ख़ासकर जो थर्ड वेव के मद्देनज़र, क्योंकि अभी आपने देखा होगा मीडिया में काफ़ी सर्कुलेट होगा, मुंबई में कंडीशन क्या है, दिल्ली में कंडीशन क्या है, तो इस ओमिक्रॉन के मद्देनज़र मैं चाहूँगा कि आपके ज़रिए से ये लोगों तक एक पैगाम पहुँचे कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर SOPs को फॉलो करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वैक्सीनेशन जो हमारे रह गए हैं 8% के करीब रह गए हैं सेकंड डोज के लिए, 92% हमने कवर किया है, वो भी आगे आके आपने जिनका ड्यू है इमीडिएटली अपनी वैक्सीनेशन करवाएं, ताकि खुद सेफ हो जाएं, अपने फैमिली को सेफ करें, अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट और यूटी को, और बल्कि मुल्क के लिए सेफ्टी के जामिन बने। सर, एक और बात है कि अच्छी बात ये रही कि दो से यहाँ पर बर्फबारी जारी है, लेकिन मैदानी इलाकों में जो है बर्फ हटाई गई, कहीं से कोई दूर ऐसा नहीं आ रहा है कि बर्फ नहीं हटाई गई, लेकिन जो इलाके अभी कट ऑफ में, क्या उनके लिए प्रायोरिटी रही? हाँ, वो सेकेंड प्रायोरिटी के हमारे रोड्स हैं, चूँकि आपने देखा कि बर्फबारी जो मैंने पहले ही इनिशियल में ही बताया, क्योंकि कंटिन्यूसली बर्फबारी हो रही है, और जो ही ये बर्फबारी थम जाएगी और उसके बाद जो हमारी वो भी प्रायोरिटी पे हैं, उन लोगों को भी फैसिलिटीज़ हासिल करने का पूरा हक है, जैसे शहरी लोगों में, मैदानी इलाकों में जैसे लोगों के हकूक हैं, वैसे ही उन कटे हुए या बॉर्डर एरियाज़ के लोगों के हकूक भी हैं। लेकिन चूँकि मौसम कंटिन्यूसली बर्फबारी हो रही है और एवलांच वार्निंग भी है पहाड़ी इलाकों में, तो उस हिसाब से हम प्रॉपरली सेफ्टी के मद्देनज़र जो है उनको भी प्रायोरिटी पे लेके खाली करने जा रहे हैं। ओके सर, थैंक यू सर, शुक्रिया।